जावद विधानसभा के अंतर्गत अठाना के निवासी किसान धनराज पिता मुन्नालाल धनगढ़ ने सचिव प्रेमचंद माली द्वारा की गई धोखाधड़ी और उससे उत्पन्न हुई समस्याओं के चलते मानसिक तनाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता प्रकाश सेन राका ने नीमच के दग भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रकाश राका ने सचिव प्रेमचंद माली के नार्को टेस्ट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि दिवंगत धनराज ने अपने मृत्यु से पूर्व मोबाइल से वीडियो बनाकर अपने साथ हुई पूरी आपबीती बताई है। मृतक ने आत्महत्या से पूर्व जो वीडियो बनाया है वह केस का मुख्य सबूत है, जिसमें सचिव प्रेमचंद माली को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सेन राका ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सचिव प्रेमचंद माली पर आरोप लगाया कि वह एक आदतन अपराधी है और कई आर्थिक अपराधों में लिप्त होने के कारण शासकीय सेवा के योग्य नहीं है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि चार पंचायतों में घपले के आरोपी मास्टरमाइंड प्रेमचंद माली को आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण साथ है जिससे उसके हौसले इतने बुलंद है। उन्होंने मांग की कि आपराधिक प्रवृत्ति के सचिव पर लोकायुक्त विभागीय टीम और अन्य जांच एजेंसियों से जांच कराया जाना चाहिए और सारे आरोपों से अगर पर्दा हटाना है तो इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। सचिव प्रेमचंद माली को पदमुक्त कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रकाश राका ने अपनी प्रेस वार्ता में सचिव प्रेमचंद माली पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, प्रेमचंद माली का नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रेमचंद माली जहाँ जहाँ भी पदस्थ रहे हैं वो पूरे उनके ऊपर हमेशा आरोप लगे, लेकिन हर वक्त वो कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव में बच जाते हैं। या तो हो सकते हैं कि उनका ब्रेन बहुत तेज चलता हो, इसकी वजह से हर बार कई लोग ठगा जाते हैं। जैसे खोर में मैंने बताया कि न जाने कितने लोग आज भी धोखाधड़ी के में फंस गए हैं। इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या होगा इससे? नार्को टेस्ट से ये होगा कि सबूत कहीं ना कहीं, वैसे मैं मानता हूँ कि पुलिस जिसको भी चाहे उससे सच उगलवा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपी बड़ा शातिर होता है। आज किस खास मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर? मेरा सिर्फ यही मुद्दा है कि प्रेमचंद माली के ऊपर किस आरोप के साथ आ जाता है, जिस उस उनकी वजह से आत्महत्या हुई है। वो जो आदमी है उन्होंने उनके साथ में धोखाधड़ी की है इसलिए, और लेकिन फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि शुरू से ही इसी तरह का आदमी रहा है। क्योंकि वहाँ पर TI साहब को जो जावद में उनको वहाँ पर बोला गया था कि धारा 420 और 467 लगाई जाए, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन दाखिल करो, तैयारी करो उसकी। अब हुई है नहीं हुई है, अभी तक तो मुझे जहाँ तक कंफर्म है कि नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? आप यही कि धारा 420 467 लगे और नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल होना चाहिए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।